हाय हाउ आर यू। आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया, और मैं बता देती हूँ कि मैं ये दलिया इस तरह से कैसे मिक्स करके रखती हूँ। ये मेरा दलिया जो है 70-30 की रेशो में है। इसमें 70% दलिया है तो 30% दालें हैं, मूंग छिलका दाल, मूंग धुली दाल और पिंक वाली दाल। पिंक वाली दाल बताओ कौन सी होती है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो इन दालों को मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। अभी बस इसको वॉश करके मैं 3 गुना पानी में इसको बॉईल करूँगी, नमक और हल्दी डाल के। और फिर इसको कैसे मैं गार्निश करती हूँ और कैसे मैं टेम्परिंग करती हूँ वो बताती हूँ। दलिया बॉईल कर लिया मैंने, एक विसल के बाद मैंने इसको ऑफ कर दिया था, तो ये अपने ही दम में बिल्कुल पक गया है और 3 गुना पानी परफेक्ट रहा। आप दलिया देख सकते हैं कि किस तरह से है। और अभी मैं इसकी टेम्परिंग कर लेती हूँ, इसको और हेल्दी और टेस्टी बनाते हैं। दलिया की टेम्परिंग के लिए लिया है मैंने 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 3 से 4 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च तो ऐसे समझ लो कि मेरे लिए कविता ही है। थोड़े से हरे मटर, 1 टमाटर, 1 गाजर और मैंने 1/2 कटोरी लिया है मोजरेला चीज़, और पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट ज़्यादा नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने दलिया को बॉईल करने के लिए हल्दी और सॉल्ट डाला था। और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है और घर का बना हुआ देसी घी 2 चम्मच, लगभग 15 ग्राम है ये। बस अब दलिया को टेम्पर करते हैं, फ्लेम ऑन कर दिया है। अगर हम कभी भी देसी घी से कुकिंग कर रहे हैं और फ्लेम मीडियम है तो इसकी सारी खुशबू सब्जियों में, खाने में ही रहती है। अगर तेज फ्लेम पर कुक कर रहे हैं देसी घी के साथ तो पड़ोसियों को पता चलता है कि कुकिंग हो रही है, लेकिन सब्जियों में, खाने में टेस्ट नहीं रहता। तो ये भी आप आजमा कर देखना। गाजर भी मैं साथ साथ डाल दूंगी क्योंकि इसका भी कुकिंग टाइम चाहिए। और जब ये पक रहा है तो इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल दूंगी। मटर मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, टमाटर भी डाल दूंगी, हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। 1 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। मटर मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि ये मटर भी वही हैं जिनको मैंने लास्ट सीज़न में प्रिक्योर कर लिया था, अभी ये सीज़न आने वाला है। आपने देखा होगा कि जब मैं टेम्परिंग के लिए सब्जियों को सॉटे कर रही हूँ तो मैंने नमक बहुत कम डाला है। उसका रीज़न ये है कि दलिया में नमक जितना रिक्वायर्ड है वो है, इसको सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट होने तक के लिए ही जितना नमक चाहिए उतना डाला है। फिर जब मैं मोजरेला चीज़ ऐड कर रही हूँ तो इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, बाद में देख लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो फिर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला पहले ऐड कर रही हूँ और अब मैं डाल दूँगी चीज़, ताकि चीज़ भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ और फिर आपके साथ टेस्ट करेंगे। बन गया। स्वाद है? स्वाद है पक्का। हम बहुत चंगा बन गया। स्वाद है? चलो देखो, मैंने टेस्ट नहीं किया पर मेरे को ये पता था कि माता जी को ये टेस्टी लगने वाला है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर है, खुशबू तो वैसे ही मज़ेदार है। एंड स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।